नमस्कार, टॉप 9 न्यूज बुलेटिन साथे हूँ छु विधि। सौथी पहेला नजर करी उत्तर गुजरात नी टॉप 9 खबरो पर। राज्य में पछला 24 कलाक में 1477 पॉजिटिव केस नोंधाया, 15 दर्दी कोरोना थी मौत निपजा। साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,11,257 ने पार थी गई। कोरोना थी कुल मृत्यु आंक 4,004 पर पहुंचू। 1547 दर्दियों कोरोना ने मात आपी। राज्य में अत्यार सुधी कुल 1,92,368 दर्दियों कोरोना सामेनी जंग जीती। कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट लईने राज्य सरकार आप्यो राहतना समाचार। नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेल, आरटीपीसीआर टेस्ट हवे मात्र 800 रूपया में थशे तेवी करी जाहेरात। पहला आरटीपीसीआर टेस्ट नी हती रूपया 1500 नी किंमत, हवेथी राज्य नी खानगी लेबा आरटीपीसीआर टेस्ट 800 रूपया में थशे। जो घरे आवीने टेस्ट करावा आवशे तो 1100 रूपया फी लेवाशे। मास्क वगर फरता लोगों ने दंड ना भागरूपे कोविड केर सेंटर में सेवा माटे मोकलवा मुद्दे सरकारे हाईकोर्ट में जवाब रजू कर्यो। सरकारे लोगों ने आवो दंड करवामां समर्थता दर्शावी, जेने लईने हाईकोर्टे सरकार नी झाटकणी काढ़ी। हाईकोर्टे नाराजगी दर्शावता कहूं कि सरकार अक्षम छे, तेवुं कहेवुं व्याजबी नथी। आवा दंडनी अमलवारी कई रीते करावी ते जोवानी जवाबदारी सरकारनी छे। आ समय कड़क अमलवारी करावानो छे। अत्यारे अमलवारी करशो तो 2 अठवाडियामां स्थिति सुधरशे तेवुं हाईकोर्टे कह्युं। राजकोटने उदय शिवानंद कोविड होस्पिटल में आग लागवा मुद्दे सुप्रीम कोर्टे फरीथी राज्य सरकार ने फटकार लगावी छे। केसनी सुनावणी दरमियान सुप्रीम कोर्टे सरकार ने कहो कि तमे तपास समिति रचीने मुद्दाने टाळी दो छो, जेना पर सोलिसिटर जनरले कहो कि अत्यार सुधी लेवायेला पगलानी जानकारी आपवामां आवशे। जो कि हवे आ केसनी सुनावणी आगामी गुरुवारे हाथ धराशे। कोरोना महामारी वच्चे राज्यमां शाळाओ शुरू करवानो हाल कोई ज विचार न कर्यो होवानी स्पष्टता राज्यना नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेले करी। एक सवालना जवाबमां नितिन पटेले जणाव्युं कि अगाउ स्कूल शुरू करवा अंगे सरकारे निर्णय कर्यो हतो, जो कि कोरोना विस्फोटने पगले आ निर्णय पड़तो मुकायो। जो कि तेओए चोखवट करी छे कि ज्यां सुधी सरकार नवो निर्णय न करे अने अन्य तारीखो जाहेर न थाय त्यां सुधी राज्यभरनी तमाम शाळा रहेशे बंध। 5/2020 कोरोनाना आगमन बाद अत्यार सुधी बधी ज शाळाओ मात्र ऑनलाइन शिक्षण आपी रही छे अने आ स्थिति आगामी दिवसोमां पण यथावत रहेवानी छे। तो अन्य धोरणोमां तो मास प्रमोशन के पछी अन्य कोईपण रीते बाळकोने पास करी आगळना धोरणमां लई जवामां आवी शके। धोरण 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવાશે, પરંતુ તે મે 2021માં યોજાશે તેવી જાહેરાત શિક્ષણ વિભાગે કરી છે। માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ઓનલાઈન પરીક્ષાના ફોર્મ જાન્યુઆરીમાં ભરાવવામાં આવે તેવી શક્યતા। बनासकांठा में सुजलाम सफलाम केनाल में पानी न छोड़ाता खेडूतोए विरोध प्रदर्शन कर्यू। खेडूतोए देवधर मामलतदार कचेरीए पहोंच्या हता अने पानी छोड़वानो सरकारे वायदो आप्यो होवा छतां पानी न छोड़ता विरोध दर्शाव्यो। खेडूतोए ढोल साथे पहोंची प्रदर्शन कर्यू, हजू पण पानी नहीं छोड़ाय तो उग्र आंदोलननी चीमकी पण आपी। મહેસાણાના બહુચરાજી માર્કેટયાર્ડની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થયું। ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠકોનું પરિણામ જાહેર થતાં 10 પૈકી 7 બેઠક પર વિઠ્ઠલ પટેલ જૂથનો વિજય થયો, જ્યારે પૂર્વ ખેડૂતદાન રજની પટેલ માત્ર 3 બેઠકો જીતી શક્યા। માવતરું છે કે વિઠ્ઠલ પટેલ જૂથને વેપારી સહકાર અને ખેડૂત વિભાગ સહિત કુલ 12 બેઠકો મળી છે। રજની પટેલની પેનલમાં કારમો પરાજય થતાં જ માર્કેટયાર્ડમાં ખેડૂતોએ ઢોલ નગારા વગાડી ઉજવણી કરી હતી।